गए आह्वान के बाद आज भी लोगों को खास की झलक देखने को मिल रही है, जिसमें कि मेडिकल स्थित मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दुकान पर आपको तरह तरह के मिट्टी के बर्तन दिखाई देंगे जो कि भारत में ही बने हुए हैं, जिसकी साफ साफ झलक दिखाई दे रही है कि अब की बात चाइना का बायकट और भारत में ही बने बर्तन की बिक्री होगी। ग्राहकों को भी ये चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही है। अपने कैमरामैन विकास गुप्ता से कहना चाहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से तरह तरह की वैरायटी तैयार हैं, जिससे कि दिवाली पर जो शो भी बनाएंगी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ लोगों को सशक्त भी करेंगी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ही से बात करते हैं कि किस तरीके से इनका बनाया गया और कहां कहां से माल आता है। आपका नाम सचिन जी, कहां कहां की वैरायटी आपके पास है और किस तरीके से बनाया जाता है? हमारे पास हो रही है सभी का, खुर्जा, गोरखपुर, कलकत्ता और आगरा और मतलब ऑल इंडिया सभी वैरायटी मंगा रखी है हमने। कोई ऐसी वैरायटी नहीं है मिट्टी प्रोडक्ट में जो हमारे पास ना हो। चाइनीज आइटम हमने सब चीज बैन कर रखा है। मोदी जी ने जब से बैन करा हमने अपना हिंदुस्तान का आइटम स्टार्ट कर दिया अलग। जैसे कि दिवाली के अवसर पर क्या ग्राहकों को पसंद आ रही है कि देखने ज़्यादातर कप, प्लेट और स्टैचू सब हमने मिट्टी में कुछ ऐसी वैरायटी में छोड़ी जो मिट्टी की नहीं बनी हुई है। तब हमारा मिट्टी का फाउंटेन हो गया और आपके क्या नाम फ्लावर पॉट हो गया वास और सेरेमिक पॉट, कप, प्लेट और आपका क्रॉकरी वगैरह भी आ चुकी है हमारे पास। पहले क्रॉकरी नहीं थी, अब मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। डॉक्टर वगैरह ने जो डिसीजन दिया है आप लोगों को कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाइए। तो कह सकते हैं कि अब की बार दिवाली पर आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी, जिससे कि लोकल वोकल के नारे के तहत आप घर पर ही बने हुए बर्तनों को चाइना के बायकॉट का नज़ारा देखना मिलेगा। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।